अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा। 3 अक्टूबर को होगा शुभारंभ। जिले में पर्यटन व्यवसाय में होगी वृद्धि। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे 3 अक्टूबर को शुरू होने वाली हेली सेवा के बारे में, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। आइए जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति विष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा। अब उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा से देहरादून के बीच अब हेली सेवा शुरू की जा रही है, जिसका 3 अक्टूबर को टाटिक हेलीपैड का शुभारंभ किया जाएगा और इसी दिन अल्मोड़ा दून के बीच हेली सेवा का भी शुभारंभ कर दिया जाएगा। वहीं हेली सेवा का शेड्यूल इसके बाद जारी कर दिया जाएगा। करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी हेली सेवा। आपको बता दें कि टाटिक हेलीपैड से करीब 2 साल पहले भी देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ अन्य स्थानों के लिए हेली सेवा शुरू हुई थी। बकायदा शुभारंभ के लिए टाटिक हेलीपैड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और साथ ही छोलिया दल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे और कुछ समय बाद अचानक हेली सेवा बंद हो गई थी, लेकिन अब करीब 2 साल बाद भी फिर से हेली सेवा शुरू कराने की तैयारी चल रही है। जिले में बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय। अब इस हेली सेवा शुरू होने से अल्मोड़ा जिले में पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आर्थिकी को मजबूती भी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर यात्रियों का अल्प समय में देहरादून पहुंचना भी आसान हो जाएगा, जिसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही यहां के लोगों को सक्षम होने में मदद मिलेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।